कोशिशें चल रही हैं, कहीं हम लोगों के पास से भी यहाँ से लाउडस्पीकर ना ले लिया जाए, तो तैयारी आपकी बदस्तूर जाहिर रहनी चाहिए कि बिना लाउडस्पीकर की भी हमारी आवाज़ पहुँचे, क्योंकि हमारे जो 60s में हमारे जो लीडर्स थे 50s में थे वो बिना लाउडस्पीकर के ही लड़ रहे थे। बालाजी, उदित भाई, आयशी, वृंदा जी और नंदिता जी और तमाम फ्रैटर्निटी, मैं आज यहाँ ब्लेंडेड मोड में हूँ, एक सांसद के रूप में भी हूँ और आपके बीच का भी हूँ, इसी यूनिवर्सिटी का हूँ। और जैसा पूर्व भाई ने कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने विश्वविद्यालय में नेशनल थ्रेट हो जाऊँगा, तो दो कॉलेजेस को मैंने नाम भी नहीं बताया कहीं उन दो कॉलेजेस के, लेकिन उन दो कॉलेजेस में मैं 20 बार जा चुका हूं और राष्ट्र की सुरक्षा को एक पैसा खतरा नहीं हुआ, राष्ट्र बल्कि जैसा था वैसा ही रहा, ना बढ़िया ना खराब जैसा था। एनीवे, व्हेन आई केम टुडे हियर, एज आई टोल्ड यू, इन द ब्लेंडेड मोड इन टू कैपेसिटीज, वन एज ए प्रोफेसर, एज समबडी हु हैज स्टडीड इन दिस यूनिवर्सिटी, in the same place where I'm teaching now, so it gives me a very different kind of feeling, and it also gives me a sense of deja vu ki ye space jo hai ye hamara wo jo French student movement ka 9th grade campus tha, ye hamara wo space, and this space has produced lot many things, wonderful ideas, wonderful relationship, wonderful a kind of solidarities, so I salute to that, I salute to this space. And number two, as many of my colleagues said, आप सोचेंगे कि अचानक मैं अंग्रेजी में कोई स्विच कर गया, तो ये मेरे प्रतिकार का तरीका है। हिंदी से मैं अमित शाह जी से कम मोहब्बत नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं अपनी मोहब्बत में दूसरी जुबानों के लिए अदावत ले आऊँ, ऐसे कोई ज़ुबान नहीं चलती है। मैं अपना ये भी बताऊँ, पार्लियामेंट में आई एम लिटरली टॉर्न, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश के सांसद चाहे किसी भी दल के हों, वो मुझसे कहेंगे मनोज जी हिंदी में बोलिएगा, और तमिलनाडु, आंध्रा, केरला के लोग कहते हैं मनोज जी अंग्रेजी, मतलब यू मस्ट स्पीक इन इंग्लिश। तो बहुत दिन तो मैं ब्लेंडेड मोड में मैं चलता रहा, थोड़ी अंग्रेजी थोड़ी हिंदी, हमेशा होता नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की मेरी सबसे बड़ी दिक्कत रही कि आई वॉज ईगरली वेटिंग फॉर दिस डॉक्यूमेंट टू बी प्लेस्ड ऑन द टेबल ऑफ द पार्लियामेंट, ये आया ही नहीं साहब, संसद में आया ही नहीं। इतनी इसकी खूबसूरती की चर्चाएं होते हैं, दूर दूर तक लोग लेख लिख रहे हैं, बड़े बड़े बैनर पोस्टर छपवाए रहे हैं, और संसद का दुर्भाग्य देखिए कि बेचारी संसद को ही आज तक ये दस्तावेज नहीं मिला। तो उम्मीद करते हैं कि शायद जैसा वृंदा जी ने कहा कि सड़क की ताकत अगर आप पैदा करिएगा तो शायद संसद को मजबूर होकर के इस दस्तावेज पे बात करना पड़े। अब देखिए, इसका नाम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हालांकि तीनों शब्दों को मिला दें तो ऑक्सीमोरोन नहीं है, देयर इज नथिंग फंडामेंटली न्यू विच वी डिडंट नो अबाउट देम। नंबर वन, इट्स लीस्ट अबाउट एजुकेशन। एजुकेशन बचपने से अगर आपने हम लोग एक साझा विचार रखते हैं, हम कहते हैं एजुकेशन अल्टीमेटली इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इमेंसिपेशन, दिस इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ स्लेवरी, this is a document to take India back to thousands of years on a celebrated regressive journey, ulte paon ki yatra pe le jane ka ye dastavej hai। main nahi janta ki prachin bharat mein nijikaran tha ya nahi, lekin main itna zarur janta hu ki nijikaran se jo cheeze hasilat hote hain sambhavatah prachin bharat mein shiksha ki wahi sthiti thi। agar aap chahte hain ki is dastavej ke madhyam se eklavya produce karte rahein कि बेचारे एकलव्य को अभी भी दूर में खड़ा होकर के ही द्रोणाचार्य को धनुष सिखाना देखना है, और वो दूर भी अब तो ऐसा है कि वो बेचारा कहाँ से, वो उस पर भी नहीं देख पाएगा, क्या कहते हैं वो डिजिटल मोड में, मतलब कोरोना से मुझसे बहुत शिकायतें हैं, मुझको शिकायतें कुछ दोस्तों को ले गई कोरोना, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया हमारे जिंदगी के हर स्फीयर को, लेकिन सबसे बड़ी शिकायत है कि कोरोना ने पूरी दुनिया में तानाशाहों की बहुत मदद की। कोरोना के नाम पर जो फजूल की चीजें, वाहियात चीजें हमारे जीवन के हर पहलू को इंपैक्ट कर रही। अब ये डिजिटल मोड, मैं अक्सर कहता हूं, मैं उस लाइटर मैन में कहूंगा कि मैं जब क्लास लेता हूं ना तो मुझे आई बॉल्स चाहिए स्टूडेंट्स के, अब मुझे डिजिटल मोड में वो आई बॉल्स ढूंढने से नहीं मिलते,
ढूंढने से नहीं। अगर कभी किसी को जिद करके कि तुम अपना वीडियो ऑन करो, तो पता चला कोडरमा में वो बड़ी बुरी परिस्थिति में कहीं बैठा हुआ, बड़ी मुश्किल से थोड़ी देर के लिए वीडियो, ये कौन सी शिक्षा है? देयर इज नो इंटरेक्शन, देयर इज मोनोलॉग। दिस मीडियम इज मेंट फॉर अ मोनोलॉग, अ काइंड ऑफ टीचिंग लर्निंग मैकेनिज्म वेयर टीचर इज अ पेट्रन, स्टूडेंट इज अ क्लाइंट, वेयर एज वी थॉट पॉलो फ्रेरेस आइडिया ऑफ एजुकेशन। What happens to that? लेकिन मोदी जी से, उनके शिक्षा मंत्री जी से ये सब शिकायतें मैं नहीं करता। जो जिसमें हो ही नहीं उसे वो मांगना भी नहीं चाहिए। मतलब ये इतना मेरी समझ में 4 वर्ष हुए पार्लियामेंट में आ गया। वो शशि थरूर जी ने एक उपन्यास लिखा था राइट लव स्टोरी, उसमें एक कैरेक्टर है प्रिसिला हार्ट, एक अमेरिकन लड़की है, इंडिया आती है, उसे इंडिया से भी मोहब्बत होती है और एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी मोहब्बत हो जाती है। दैट डीएम इज मैरिड मैन, उसके बाद कुछ कुछ होता है, राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद वगैरह वगैरह, वो आत्महत्या कर लेती है या मार दी जाती है, शशि थरूर ने क्लैरिटी नहीं दी है। और जब उसके स्क्रैप बुक की पड़ताल होती है तो प्रिसिला की माँ कहती है कि प्रिसिला हैड द हैबिट ऑफ सीइंग थिंग्स इन पीपल विच दे डिड नॉट हैव। तो मैंने प्रिसिला से ये सीखा कि लोगों में वो चीज़ नहीं देखनी है जो उनकी ज़हनियत में है ही नहीं, जो उनकी कैपेसिटीज में है। हाँ, अब हमारे पास क्या विकल्प बचता है? FYUP के बारे में यूनिवर्सिटी ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, तमाम लोग थे साथ में, अचानक में उसको रीपैकेज करके आप उसी FYUP को ले आए। अभी निजीकरण, कमर्शियलाइजेशन, देखिए इसका हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं अभी भी। एक बहुत, अगर ये मार पड़ेगी तो SFI, ISR, DSU, 50, KYC, NSUI कोई नहीं पड़ेगी, क्योंकि हवा में जब जहर जाता है ना, तो ऐसा नहीं है कि जहांगीरपुरी तक रुकेगा, वो जहर हर जगह जाएगा। और अगर ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जहर फैला, तो मैं को बताऊं कोई महदूद नहीं है, क्योंकि मिडिल क्लास वाले आसमान से सितारे मांग करके नहीं जी रहे, इसी हिंदुस्तान में जी रहे हैं। आई टेल यू, माई डॉटर इज हियर amongst one of you, she is listening to me, chup bhi rahi hogi mujhe dekh karke, but I tell you, when I she got admission in a college with 2 courses, history and English, we sat down, main history ka khud ka chhatra raha hu, maine dekha ki ab Indus Valley civilization nahi hoga, Indus Saraswati civilization। aur ek to kamal ki cheez dekhi, communication ka ek unit aaya jisme Narad Muni as a communicator। अब जिस हुकूमत के कम्युनिकेशन का आदर्श नारद मुनि हो, उससे मेरी कोई शिकायत नहीं। आई हैव नो कंप्लेंट्स, आई हैव कंप्लेंट्स विद यू, मी एंड एवरीबडी। एज समबडी, वन ऑफ माय कलीग, वन ऑफ माय फ्रेंड्स सेड, यू नो, डोंट ट्रस्ट पार्लियामेंट, नॉट बिकॉज ऑफ देयर आर बैड पीपल, ऑल द पीपल देयर आर बैड, द गुड पीपल आर टू लिटिल इन नंबर and too small in impacting the portals of the parliament, the platforms of the parliament. But people have thought how to snatch things from parliament. हम तो मायूस होकर के किसान बिल पर सोचे थे, सब हार गए, हम हार गए थे, लेकिन हम जीत गए। It was not our victory, it was victory of the people. They fought it so hard कि जिस व्यक्ति को लगता था कि वह जिंदगी में अपने फैसले पलटता नहीं है, उस व्यक्ति ने कैसे फैसला पलटा, इतिहास गवाह। तो आपको फैसला पलटवाने की वो ताकत पैदा करनी होगी, और वो ताकत, माफ कीजिएगा, पॉलिटिकल पार्टीज के भरोसे नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा कुछ और है। कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कुछ में हमने हाल में बहुत भरोसा रखा, और हमारा भरोसा कैसे चकनाचूर हुआ, सिर्फ जहांगीरपुरी में नहीं, कई और जगह। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आमो खास में कोई फर्क नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई लंबी है, ये आप अपने लिए लड़ रहे हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि आपको इस दस्तावेज की वापसी सुनिश्चित करके ये तय करना है कि एसेंशियली NEP इज एन अटैक ऑन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इज एन अटैक ऑन द प्रीएम्बल। आप प्रीएम्बल हाथ में लो, NEP हाथ में ले लो, आपको लगेगा ना कि दोनों साथ सो ही नहीं सकते। और कोई दस्तावेज अगर मेरी प्रस्तावना के साथ आराम से सो नहीं सकता, हम उस दस्तावेज को सोने नहीं देंगे। जय हिंद, जिंदाबाद।